इस लेक्चर में हम लोग ITF के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो ये बताइए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम का नाम जो है ये आपका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाना है और फिर जाके बाहर की आवाज़ सुननी है। तो साइन के आगे प्लस होता है तो हम लोग कॉस को बुलाते हैं और साइन को भी बुलाते हैं, एंगल का आधा प्लस है तो प्लस, वैसे इसमें मॉड देना चाहिए लेकिन हम लोग मॉड नहीं देंगे क्योंकि 0 से 45 की बात है और 0 से 45 में कॉस भी और साइन भी दोनों पॉजिटिव होता है, अच्छी बात है। तो जहाँ जहाँ ये है उसके जगह पे हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको बनाने के लिए LHS cot inverse cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 प्लस sin x/2 इसके जगह पे फिर प्लस है और उसके जगह पे क्या होगा, प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर होगा आपका cos x/2 और माइनस sin x/2, नीचे आ जाएगा आपका cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस होगा cos x/2 और माइनस sin x/2। हम लोग स्क्वायर रूट को हटा दिए, स्क्वायर रूट आपका हट चुका है। अब जाके बाहर की आवाज़ सुननी है। तो cot इनवर्स, ये चीज़ ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये माइनस साइन एक्स और ये प्लस साइन एक्स कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2 cos x/2 और नीचे में भी कुछ कटेगा माइनस cos x/2 और ये कट जाएगा, नीचे में क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस 2 sin x/2, ये आपका नीचे में बचेगा, ये ब्रैकेट बंद, ये 2 और 2 खत्म। तो cot इनवर्स cot x/2, ये दोनों बाहर चला जाएगा और हो जाएगा x/2 और आप चले जाइएगा हिमाचल प्रदेश, हेंस टू। ये पहला क्वेश्चन था, चले दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें आपको x का वैल्यू बताना है क्या होगा x का वैल्यू, कोई बात नहीं। तो जैसे ही 2 मिलता है हम लोग को पता है कि 2 टेन इनवर्स डब्बा बराबर होता है टेन इनवर्स 2 डब्बा और 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, हम लोग को पता है। और एक प्रॉपर्टी और पता है कि मान लिया जाए टेन इनवर्स कुछ भी है, मान लिया डब्बा ही है और इधर भी आपका टेन इनवर्स ट्रायंगल है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इधर से भी टेन इनवर्स और इधर से भी टेन इनवर्स चला जाएगा और क्या बचेगा डब्बा इक्वल टू ट्रायंगल, ये दो बात हम लोग जानते हैं। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले ये 2 है इसका हिसाब किताब लगाते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, डब्बा के जगह पे cos x है तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, टेन इनवर्स 2 डब्बा और नीचे में 1 माइनस डब्बा स्क्वायर और तब तक इधर क्या होगा टेन इनवर्स क्या आप 2 by sin x लिख सकते हैं, बोलिए, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला टेन इनवर्स और ये वाला टेन इनवर्स चला जाएगा,
या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, टेकिंग टेन बोथ साइड, टेकिंग टेन बोथ साइड कर सकते हैं। तो दोनों टेन इनवर्स अगर चला गया तो आपका बचा टू कॉस एक्स, इसको भी रोकने वाला कोई नहीं है, चला जाएगा। तो और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या बचने लगा, टू बाय साइन एक्स, ये टू और ये टू खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन एक्स अगर आपका इस साइड आता है, इस साइड आता है तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। बहुत लोग ये साइन एक्स को और इसको काट देंगे, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो जिसका वैल्यू आप निकाल रहे हैं, जैसे एक्स का वैल्यू आप निकाल, उसका काटा पीटी नहीं मचाना चाहिए, काटने से क्या होगा, लॉस ऑफ रूट होता है, इसलिए हम लोग काट नहीं रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब इसको उधर हम भेज दें, उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स है और माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आ जाइए, इसमें से आप अगर आप साइन एक्स को कॉमन ले लीजिएगा, साइन एक्स अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, एक साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक बार साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर जीरो, और एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस इधर आ जाएगा तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इक्वल टू वन, कॉस नीचे आ गया, क्या बचा आपके पास, टेन एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। आपको दो आंसर आया, कितना आंसर आया, दो आंसर आया, एक आंसर आया एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा आया एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, दो आंसर आया। अब दोनों आंसर को इसमें आप रख लें, चेक कर लें, आंसर आ गया तो खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें रखना है। कैसे चेक करेंगे सर, तो एक्स इक्वल टू जीरो अगर आप रखिएगा मान के चलिए, तो कॉस जीरो का वैल्यू होता है कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, और टेन इनवर्स वन होता है पैंतालीस, पैंतालीस को दो से गुना कीजिएगा तो नब्बे, इधर आपको नब्बे आया, इधर आ जाइए। कैसे चेक करते हैं, और इधर आ जाइए, इधर रखिएगा तो कॉस जीरो कॉसेक जीरो का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुना दो इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है नब्बे, मतलब ये तो हो गया सर, इसका ये वाला आंसर होगा, सेटिस्फाई कर गया। अब पैंतालीस रख के भी चेक कर लीजिएगा, तो इसके बाद चेक करना ना भूला जाए। देखिए चेक कैसे किया जाता है, हम लिख देते हैं चेक एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले लेते हैं एलएचएस को, एलएचएस में क्या है, टू टेन इनवर्स कॉस एक्स, तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप जीरो को रखें, तो टेन इनवर्स कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू होता है आपका वन, और टेन इनवर्स वन होता है पैंतालीस, मतलब टू इंटू फोर्टी फाइव बराबर पाई बाई टू। अब इधर आ जाइए आरएचएस पे, तो आरएचएस में क्या था, टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स, तो टेन इनवर्स टू इंटू कॉसेक जीरो, तो टेन इनवर्स टू इंटू इन्फिनिटी, हम लोग इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे वन बाय जीरो बोलेंगे, तो टेन इनवर्स टू बाय जीरो,
हम कभी भी अगर जीरो आ जाए तो आंसर होता है पाई बाई टू, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे आपको लिखना होगा। इसमें आ जाइए, इसमें भी वही काम हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिए इसको, इस फोटो को, इसमें हम उल्टे हाथ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, उल्टे हाथ का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स और नीचे में वन प्लस वन इंटू एक्स। कसम, कसम क्या है, यहाँ पे वन होना चाहिए और यहाँ पे दो टर्म होना चाहिए, है ही सर। क्या इसको आप लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन अब माइनस टेन इनवर्स एक्स। हाँ सर, लिख ही सकते हैं। अब आ जाइए इस वाले चीज को, इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका टेन इनवर्स वन अब माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। इसका मतलब 45 डिग्री माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर वन बाई टू, ये दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो 90 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू कितना, ये दो अगर इधर आ गया आपका तो 90 इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स। ये तीन से डिवाइड कर दिए तो 30 हो गया, 30 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स इधर आ गया, टेन 30 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। चेक कर लीजिएगा, इधर आ जाइए, इसमें आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, ये साइड को बोलते हैं हम लोग एल एच एस और इस साइड को बोलते हैं हम लोग आर एच एस। तो आर एच एस में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें नोट्स को जरूर पढ़ें। होता क्या है, यहाँ कॉस होगा, ऐसा क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन हम नोट्स में भी सॉल्व करवाए होते हैं। तो बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि बिना नोट्स पढ़े, बिना नोट्स पढ़े ही क्वेश्चन को बनाने लगते हैं। क्या आप x को लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, तो दिया हुआ है आपका वन बाई टू, बोला जाए वन बाई टू। क्या इसको आप लिख सकते हैं, वन बाई टू इंटू टू टेन इनवर्स रूट एक्स। क्या हो गया आपका, टेन इनवर्स रूट एक्स और हैंस प्रूफ। इधर आ जाइए, इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले एल एच एस को लेते हैं, एल एच एस में क्या है, टेन वन बाई टू। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से ये देखना है कि क्या इसको आप लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटू, क्या उसको लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स वाई। हाँ सर, लिख ही सकते हैं। ये दो खत्म, ये दो खत्म। अब क्या हो गया, टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और नीचे में वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये दोनों घर चला गया तो एक्स प्लस वाई और नीचे में बचा वन माइनस एक्स वाई और आप चले गए हिमाचल प्रदेश। इधर आ जाइए,
इस क्वेश्चन में आप काम यह कीजिए कि दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है, दुनिया पहले एक बात तो ये जान लीजिए कि कॉस एक्स बाई टू अब प्लस साइन एक्स बाई टू होता है वन बाय ये हो गया आपका रूट थ्री बाई टू, ये आपका होगा कॉस एक्स माइनस सिक्सटी। तो काम ये करते हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, कॉस थीटा। इसीलिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका कॉस थीटा बाई टू, और जब यहाँ पे कॉस थीटा आप रखेंगे तो आ जाएगा रूट थ्री बाई टू साइन थीटा। ये कैसे आ गया सर, ये टू पहले से था, ये तीन जब बाहर निकलेगा रूट से तो रूट थ्री बन जाएगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अभी अभी हम बताए ये तो थीटा हो गया आपका, प्लस यहाँ बोलिए कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखने वाले हैं आप, कॉस थीटा माइनस सिक्सटी। ये कॉस इनवर्स और ये कॉस घर चला गया, सॉरी 60 माइनस थीटा होगा, 60 माइनस थीटा यहाँ भी होगा 60 माइनस एक्स। तो थीटा प्लस 60 माइनस थीटा, ये और ये ख़त्म, आंसर कितना आ गया पाई बाय थ्री, हैंस प्रूफ। इसमें आपको ध्यान ये इस बात का रखना है, किस बात का, कि 1 बाई टू कॉस थीटा प्लस रूट थ्री बाई टू साइन थीटा बराबर होता है कॉस 60 माइनस थीटा के, ये ध्यान रखना है, फिर ये बन जाएगा क्वेश्चन। और दुनिया में जहाँ जहाँ थीटा है सॉरी एक्स है वहाँ पे आप कॉस थीटा को रखेंगे। बाय बाय, जो भी डाउट हो व्हाट्सएप पे सेंड करें, और ध्यान रखें क्वेश्चन बनाते समय नोट्स को अपने पास रखना है, नोट्स को अपने पास रखना है।